फ्रेंड्स, आज के वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग प्रैक्टिकली किस तरह की जाती है, किस तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्किंग होती है, समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम वर्किंग की बात करते हैं, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर अभी पिकअप है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। अब मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू रन करता रहेगा। यदि हमें स्टार्टर को स्टॉप करना हो तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप है। टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होते ही स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। ठीक है, स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन प्रेस करना होगा। आई होप आपको यहाँ पर वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आज के समय में इस कनेक्शन को हम ड्राइंग के जरिए भी समझने वाले हैं एवं वायर बाय वायर हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझेंगे, जिसे वॉच करने के बाद आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। तो हमने टोटल 3 कॉन्टेक्टर कनेक्ट किए हैं। पहला कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले का कनेक्शन किया है, ठीक है ना। मेन कॉन्टेक्टर और एक ओवरलोड रिले लगाए जिसके जरिए मोटर को प्रोटेक्शन मिलेगा। यह डेल्टा कॉन्टेक्टर है और यह हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर है। अब चूंकि हमें इस स्टार्टर में इंटरलॉकिंग भी करना है, तो आपके पास जो कॉन्टेक्टर्स है, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, उसमें कम से कम आपके पास एक NC पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। यदि NC नहीं हो तो आपको एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा। एक हमारे पास ऑन डिले टाइमर हमने यहाँ कनेक्ट किया है, ठीक है। ऑन डिले टाइमर में देखिए, यहाँ पर आपको A1 और A2 टाइमर की कॉइल है, जिसमें हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होगा। यह टाइमर हमारा 24 वोल्ट AC सप्लाई पर भी वर्क करेगा, ठीक है। तो A1 और A2 इसकी कॉइल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स दिए गए, जैसे 15 और 16 NC है और 15 के साथ 18 NO है, ठीक है। यह 15 और यह 16 आपस में NC है और 15 के साथ 18 NO है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स हो चुका है। सेकंड हमारे पास 25 और 26 आपस में NC होता है और 28 NO है, ठीक है। 25 और 26 यह NC है और 28 नंबर पॉइंट यह NO है, ठीक है। अभी हमारे पास इस स्टार्टर में हमें एक कॉमन NO और NC का यूज़ करना है। सेटिंग की बात की जाए तो 3 सेकंड, यदि मैक्सिमम आपको 3 सेकंड पर टाइमर को रखना है, तो आप यहाँ पर दोनों ही नॉब को इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिए। टाइमर 3 सेकंड के लिए प्रोग्राम हो गया है। हमें 30 सेकंड के लिए प्रोग्राम करना था, फर्स्ट नॉब को इस तरफ और सेकंड नॉब को इस तरफ, ठीक है। आप इस टाइमर को 3 मिनट के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं, 30 मिनट के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी के लिए हमने इसे 30 सेकंड के लिए प्रोग्राम किया है और टाइमर की सेटिंग 5 सेकंड रखी है, ठीक है। 5 सेकंड अभी हमने टाइमर की सेटिंग रखी है। एक स्टॉप पुश बटन और एक स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट किया है। चलिए कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन का कनेक्शन आएगा ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो ट्रिपिंग मिल सके, ठीक है। NC का जो आउटपुट रहेगा ओवरलोड रिले का, स्टॉप पुश बटन में जाएगा। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट स्टार्ट पुश बटन में और स्टार्ट पुश बटन से कॉन्टेक्टर की कॉइल में, ठीक है। और जो न्यूट्रल रहेगा वो कॉन्टेक्टर और टाइमर, तीनों कॉन्टेक्टर में और टाइमर में हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं, फिर किस तरह से लाइन का कनेक्शन होगा। तो न्यूट्रल देखिए, MCB से हमने लिया है, मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। लाइन की वायरिंग जिस तरह से हमने ड्राइंग में समझी थी, सबसे पहले ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पर आया है MCB से, ठीक है। 96 से यह निकलेगा, ठीक है। यदि हमारा सभी कनेक्शन ओके है तो सप्लाई पास होगी और यह जाएगी स्टॉप पुश बटन में। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए, ठीक है। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जाएगा, NC का जो आउटपुट रहेगा वो जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन में हमने NO एलिमेंट कनेक्ट किया है, ठीक है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से यह जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल में, ठीक है, A1 में, ठीक है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए मैनुअली, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑपरेट कर भी देखेंगे, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं
तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा मैन्युअली। देखिए जस्ट मैन्युअली ऑपरेट हुआ, जितने देर के लिए पुश बटन दबाया है उतने ही टाइम के लिए कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ है। अब हमें होल्डिंग देना है, तो होल्डिंग देखिए आप या तो एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या एनओ के इनपुट से, ठीक है। और इस होल्डिंग सप्लाई को आपको लेकर जाना है, एनओ के इनपुट से हमें लेना है। के वन कॉन्टेक्टर जो मेन कॉन्टेक्टर है वो के वन कॉन्टेक्टर है, तो यहाँ से एनओ के इनपुट से एक वायर लेना है, इसे कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट में लगा देना है, ठीक है। एनओ पॉइंट पर होगा क्या, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने से एनओ एनसी बनेगा और यहाँ से जो सप्लाई वही यहाँ आएगी, ठीक है, और यहाँ से कॉइल में हमें लूप कर देना है, ठीक है। जिस तरह से हम नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह से हमें होल्डिंग देना है। काफ़ी सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कनेक्टर कॉइल से एनओ में हमने लूप कर देना है, ठीक है। अब होल्डिंग सप्लाई हम यहाँ से ले रहे हैं एनओ के इनपुट से, ठीक है, एनओ के इनपुट से होल्डिंग सप्लाई लिया है और इसे कनेक्ट करना है जो कॉन्टेक्टर का एनओ टर्मिनल है, ठीक है। होल्डिंग सप्लाई से एनओ में कंटिन्यू आती रहेगी, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं होल्डिंग किस तरह से वर्क करा है, ठीक है। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा स्टार्टर यहाँ पर होल्ड हो चुका है, ठीक है, एनओ एनसी बनेगा और वहाँ से वो सप्लाई जाएगी कॉइल में, ठीक है। तो ये तो हमारा ड्यूअल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉन्टेक्टर की सप्लाई है जहाँ से कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ है वहीं से एक कनेक्टर लेना है और उसे टाइमर की कॉइल में भी कनेक्ट कर देना है। जब भी मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो साथ में ही टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है A1, यहाँ से एक कनेक्टर लिया और उसे टाइमर की कॉइल A1 में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो टाइमर भी ऑपरेट होगा। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट है तो साथ में टाइमर भी ऑपरेट है, ठीक है। अभी आपको जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, जब हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं तो साथ में होता क्या है, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। टाइमर में जितना टाइम सेट है तब तक स्टार कॉन्टेक्टर वर्क करेगा, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है तो डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा और स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से वर्किंग रहेगी, सबसे पहले हमें क्या लेना है, टाइमर के एनसी में जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया उतने टाइम तक एनसी से सप्लाई निकलेगी 5 सेकंड तक, ठीक है। 5 सेकंड तक क्या रहेगी, कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलती रहेगी, 15 की सप्लाई 16 से, जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया उतने टाइम तक, ठीक है। तो एनसी से सप्लाई निकलेगी। अब हमें इंटरलॉकिंग भी करना है, तो इंटरलॉकिंग के लिए हमने क्या किया, डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी यूज़ करना है और इसे स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो सबसे पहले टाइमर की कॉइल से हमने कनेक्टर लिया है और उसे टाइमर के कॉमन जो 15 नंबर पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई आ रही है, जितना टाइम टाइमर में सेट है उतने टाइम तक 5 सेकंड तक जो 15 की सप्लाई है वो एनसी से 16 से निकलती रहेगी, ठीक है। और हमें क्योंकि इंटरलॉकिंग भी करना है, 16 से एक कनेक्टर लिया है और इसे कनेक्ट कर दिया है हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट में, ठीक है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो यह सप्लाई निकलेगी और जाएगी स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में, ठीक है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा टाइमर का टाइमिंग रन करता रहेगा तभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, ठीक है, तभी सप्लाई कटअप हो जाएगी और यह सप्लाई निकलेगी 16 से, ठीक है, एनओ से, ठीक है। ये सप्लाई जाएगी टाइमर के एनओ में और टाइमर के एनओ से जाएगी स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में और ये जाएगी हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर में, ठीक है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हुआ तो यह सप्लाई आएगी हमारे पास 18 नंबर पॉइंट पर एनओ पर, ठीक है। तो एनओ से कनेक्टर लिया, इसे स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में कनेक्ट किया है, ठीक है। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई पास होगी और स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से यह जाएगी डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में, ठीक है। जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह से वर्किंग रहेगी, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले एमसीबी को ऑन किया, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पर सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ है। टाइमर का टाइमिंग जितना सेट है तब तक स्टार रन रहेगा, टाइमिंग कंप्लीट होते ही स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो।
दोस्तों नॉर्मली होता क्या है, जब हमारा स्टार्टर स्टार्ट करता है तो मेन और स्टार में रन करता है, टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होते ही डेल्टा में हमारा स्टार्टर रन करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।